हेलो फ्रेंड्स, राजेश द इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पावर बैंक। पावर बैंक के लिए लगेगा आपको ये सेल लगेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वायर लगेगी, और एक डिवाइस लगेगा, एक चार्जिंग करने के लिए डिवाइस, स्टेपर एंड कटर, मल्टीमीटर, सोल्डर मेटल, सोल्डरिंग आयरन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमें ये सोल्डरिंग करके ले रहे हैं सब सेल को माइनस टर्मिनल के ऊपर। एक एक करके हम इसे सोल्डर करते हैं। इसे सोल्डरिंग करने से पहले आप इसको फाइल से क्लीन कर दो, एक एक सेल को, या सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग करते वक्त सोल्डरिंग आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल रखना है ताकि वो अच्छी तरह से सोल्डर हो जाए। इस तरह से आपको सोल्डर करना है। और यहाँ पे एक सेल के लिए सोल्डरिंग किया हुआ है, हम डायरेक्ट उससे अटैच कर देंगे। अभी लेना है हमें माइनस। सबसे पहले हम केबल को सोल्डरिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कंडक्टर को निकालना है। कंडक्टर को सोल्डर कर लो ताकि कोई स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। इस तरह से ज्वाइन करते जाना है। फर्स्ट हो गया फ्रेंड से अच्छी तरह से सोल्डरिंग होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। हो गया वन साइड। अभी हम इसका माइनस इसके साथ ज्वाइन करते हैं। पॉजिटिव के लिए हमें रेड कलर का वायर लेना है। इसे भी इस तरह से सोल्डर करना है। इस तरह से सोल्डर करने के बाद फिर हमें यहाँ सोल्डर करना है। आपको बताया कि थोड़ा टाइम यहाँ पे रखना है तो अच्छे तरह से सोल्डर हो जाएगा। तो ये तीनों सेल ज्वाइंट हो गए। अभी इसे ज्वाइंट करना है। ड्राई नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 3.94 वोल्टेज बताया है तो ये परफेक्टली हो गया है। फिर नेक्स्ट हम चार्जिंग डिवाइस को लगाएंगे। फिर डिवाइस के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। पहले इसे सोल्ड कर लेंगे। देखिए आप पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ एक स्विच दिया हुआ है, उसे दबा कर रखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो गया। ये बता रहा है 92% बता रहा है और यहाँ पे आउट बता रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप आउट बता रहे हैं। आउट यानी कि आउटपुट सप्लाई। जैसे कि हम चार्जिंग लगाते हैं तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई आ जाएगा। मैं आपको चार्जर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ चार्जर लगाते हैं जिंग, यहाँ शो कर रहा है, ये बता रहे, ये ब्लिंक हो रहा है इनपुट, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कैसे चार्जिंग होगा। ये देखिए ये चार्जिंग के साथ कनेक्ट हो गए। अब देख सकते हैं इस सर्किट में यहाँ एलईडी भी अवेलेबल है, फ्लैश एलईडी। जैसे कि हम यहाँ दो बार क्लिक करते हैं तो ये एलईडी स्टार्ट हो जाता है और उसे बंद कर दिया। यहाँ पे स्विच है, माइक्रो स्विच दिया हुआ है, जिसे दो बार हम क्लिक करते
तो एलईडी स्टार्ट हो जाते हैं और वन टाइम इसे दबाते तो ऑफ हो जाते हैं। आपको ये सर्किट खरीदना हो तो मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। फ्रेंड्स, इसे एक कार्डबोर्ड में आप फिटिंग कर सकते, अपने घर में पढ़ाई रहता है ऐसा वाला कार्डबोर्ड, तो हम इसके लिए एक बॉडी बना सकते। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।